आज हम आपको झबले की कटिंग सिखाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये हमने कपड़ा बिछाया। इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे ऐसे, एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमने चार बार सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे, जुड़े हुए हिस्से से हम गले का निशान लगाएंगे। जैसे हमारा तीरा 10 है तो उसका आधा 5 इंच पर, और झबले में थोड़ा गले की चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं क्योंकि बीच में चुन्नट आती है, तो हम 3.5 पर निशान लगाएंगे चौड़ाई में। ये लंबाई है हमारे गले की, जुड़े हुए हिस्से पर ये लिया हमने 2 इंच पर। अब इसको गोलाई में शेप दे देंगे, ठीक है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, उसमें हम 2 इंच बढ़ाएंगे। इसको हम घेर के साथ ही कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें आस्तीन तो लगानी नहीं है, पाइपिंग लगानी है और ऊपर तनी लगानी है, ठीक है। तो इसको हम गले के साथ 1 इंच छोड़कर और डायरेक्ट सीधा घेर के साथ काट लेंगे। इसमें हल्की सी नीचे से शेप देंगे ऐसे, बहुत सादा सा है, खाली इसमें गले की चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इसमें हमें चुन्नट बनानी है गले पर, और ये हमें मोटे वाली जगह पर पूरा सीधा काटना है क्योंकि झबला है हमारा। अब इसे हम काटेंगे, सिलेंगे तो ऐसे इसका लुक ऐसा हो जाएगा। सिलने के बाद ऐसा सिला जाएगा। यहाँ पर भी हम पाइपिंग लगा सकते हैं और गले पर भी हम चुन्नट देकर ये पाइपिंग लगाकर यहाँ लुक भी लगा सकते हैं, फूल बना सकते हैं अच्छे से। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।